Let's now start with question number 3, which says a solid cone of radius r and height is placed over a solid cylinder having same base radius and height as that of a cone. तो हमारे पास एक सिलेंडर है और एक कोन है. कोन को उन्होंने सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया हुआ है और अब हमसे पूछ रहे हैं कि टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा. तो टोटल सर्फेस एरिया उन्होंने बोला कि ये आएगा. तो हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है. तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, एक कोन बना लेते हैं और एक सिलेंडर बना लेते हैं ऑफ सेम रेडियस एंड सेम हाइट. तो दोनों फॉर्म हो जाएंगे हमारे. सो दिस इज द कंबाइंड फिगर. अब यहाँ पे हमारा रेडियस तो आर ही है दोनों केस के लिए और हाइट हमारा एच है. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कंबाइंड सॉलिड. तो टोटल सर्फेस एरिया में क्या क्या आएगा वो एक बार देख लेते हैं. तो सी एस ए ऑफ कोन तो आएगा ही आएगा. इट कांट बी टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन सी एस ए ऑफ कोन, क्योंकि ये जो हमारा बेस है ये डायल्यूट हो गया. ना तो वो इसमें कंसिडर किया जाएगा, सिलेंडर में नहीं कंसिडर किया जाएगा और ना ही हमारा कोन में कंसिडर किया जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सी एस ए ऑफ कोन. देन नेक्स्ट इज सी एस ए ऑफ सिलेंडर. Then you have to consider the base of cylinder, and base of cylinder is nothing but a circle, right? So CSA of cylinder plus base area of cylinder. So we have CSA of cone as pi r l. Then we have CSA of cylinder. CSA of cylinder is 2 pi r h. Then we have base area. Base area is pi r square. अब L की जगह इन्होंने क्या पुट किया हुआ है, इन्होंने पुट किया हुआ है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सो आई विल पुट द सेम, देन आई विल ट्राई टू टेक कॉमन. सो इट इज़ पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. अब इसमें से सब में से आप कॉमन क्या ले सकते हो. एक तो मुझे पाई नज़र आ रहा है, एक मुझे आर नज़र आ रहा है. अब फर्स्ट टर्म के पास क्या बचा, इट इज़ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. सेकेंड टर्म के पास क्या बचा, पाई और आर अगर बाहर आ गया तो इट इज़ ट्वाइस ऑफ एच. यहाँ पे अगर आप पाई आर बाहर ले लोगे तो आपके पास क्या बचा, इट इज़ आर. तो आप देख सकते हो कि जो आपकी स्टेटमेंट है ये वाली और गिवन वाली, उसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है. टू एच है और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, बट थ्री आर नहीं है, इट इज़ आर ओनली. So therefore, the combined area of the total surface is wrong here. So the statement is false and the right answer is this part. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप हमें टोटल सर्फेस एरिया निकाल के बताओ. ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैसे निकालते हैं. इस क्वेश्चन में ये मत सोचो कि ट्रू और फॉल्स है तो नहीं आएगा. आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, बट दूसरे तरीके से आ सकता है कि आपको उन्होंने ये कंडीशन दे दी और बोलेंगे कि टोटल सर्फेस एरिया निकाल के बताओ. सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड योर आंसर. लेट्स नाउ स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4.